सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आई नो कि बहुत बड़ा गैप हो चुका है और मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वीडियो का बहुत ही वेट कर रहे थे एंड वीडियो को आने में बहुत टाइम हुआ। एक्चुअल में कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से इस वीडियो को डालने में थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिसीजन। तो ये जो चैप्टर माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, देखिए आप सभी को पता है आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो यार हम सभी लोग मोस्टली जो आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप सभी में से मोस्टली लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अब हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको डिसीजन की इम्पोर्टेंस समझाऊंगा। तो आइए इस चैप्टर में ऑथर ने क्या डिसीजन के बारे में बताया है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझते हैं। देखिए अगर हम डिसीजन की बात करें तो सबसे पहले ही ऑथर ने इस चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा है कि ऑथर ने लगभग 25,000 के आसपास मैन और वीमेन, यानी कि 25,000 के आसपास लोगों पर रिसर्च करी और उन्होंने कुछ मेजर पॉइंट्स निकाले थे, 30 के आसपास मेजर पॉइंट्स निकाले थे जो सबसे बड़े फेलियर के रीजन थे। और उन सब में से माय डियर फ्रेंड जो सबसे टॉप पे था वो था लैक ऑफ डिसीजन, यानी कि कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर ऑथर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन द ऑपोजिट ऑफ डिसीजन। जो डिसीजन होता है उसका ऑपोजिट होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी ने डिसाइड किया कि मुझे 2 से 3 महीने के अंदर एक ट्रिप पे जाना है। सपोज करते हैं कि आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हो। अब आपने मनाली जाने का प्लान किया तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप 2 महीने बाद जाने वाले हो तो आज आप प्लान करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि यार अभी 2 महीने के बाद नहीं जा रहे, ऐसा करते हैं 6 महीने वेट करते हैं उसके बाद चलेंगे, तो जो ट्रिप की प्लानिंग आप 2 महीने की कर रहे थे अब आपने क्या किया, इसको टाल दिया 6 महीने बाद, यानी कि क्या हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। अब यही हम सबकी लाइफ में होता है कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते हैं, तो उससे हमारा जो डिसीजन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ करिए कि आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी इशू हो गया, आपकी फैमिली में भगवान न करे किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, अब आप बहुत जल्दी डिसीजन लोगे, आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करोगे, तुरंत डॉक्टर को बुलाओगे, अपने किसी रिलेटिव को बुलाओगे और कैसे भी करके अरेंज करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओगे, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ में इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर हमारी जो स्पीड है डिसीजन की वो बढ़ जाती है, और जहाँ पर हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं वहाँ पर हमारी जो डिसीजन की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने डिसीजन की स्पीड को बढ़ाना है। इट मींस कि आपको अपनी लाइफ के जितने भी दौर है, कुछ भी आपने गोल क्रिएट किया है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, उसको एज अ अर्जेंसी, एज अ इमरजेंसी ट्रीट करना है, जिससे आपकी डिसीजन लेने की स्पीड बढ़ जाए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप सभी ने हेनरी फोर्ड्स का नाम सुना होगा। अब हेनरी फोर्ड्स इतने बड़ी कंपनी इन्होंने क्रिएट करी, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो उतनी ज़्यादा इनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, बट कहीं ना कहीं एक जो इनकी सबसे बड़ी आदत थी जिसके बारे में ऑथर ने इस बुक में जिक्र किया है, वो है माय डियर फ्रेंड कि ये बहुत जल्दी क्विक डिसीजन पर पहुँचते थे, यानी कि इनकी पावर थी कि ये डिसीजन बहुत जल्दी लेते थे और फिर उसको चेंज बहुत आराम से करते थे, यानी कि डिसीजन क्विकली एंड डेफिनेटली एंड चेंजिंग देम स्लोली, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे सीए की तैयारी करनी है, अब आप सीए की तैयारी करने में लग गए, आपने 1 साल तक सीए की तैयारी करी। अब कभी कभार ना ऐसा होता है कि यार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने काम से, तो हमने क्या सोचा कि यार सीए में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरी चीज़ चलते हैं, दूसरी किसी और की प्रिपरेशन करते हैं, सपोज़ करो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने सीए की 1 साल तक पढ़ाई करी, अगर आप सीए के एंड तक नहीं गए, आपने उसके जो लास्ट एग्जामिनेशन है वो नहीं दिए, तो ये आपकी 1 साल यूज़लेस जाएगी, आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लिया है तो उसके एंड तक जाने की कोशिश करें। जब आप सीए के
एंड अटेम्प्ट्स दोगे तो उससे आपको अपने खुद का पोटेंशियल समझ में आएगा कि मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो वहाँ पर उस चीज़ का एंड हो जाता है। एंड आफ्टर दैट जब आप स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है। तो जितना कोशिश करिए, डिसीजन फास्ट लीजिए और उसको स्लोली चेंज करिए, जिससे आपकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माय डियर फ्रेंड, वीडियो की एंडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डिसीज़न है वो क्यों डगमगाता है। क्योंकि सबसे बड़ा ख्याल हमारे माइंड में आता है कि अगर हम जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर लैक ऑफ डिसीजन होता क्यों है। तो उसके लिए ऑथर ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें शेयर करी है, वो लाइन एज इट इज़ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द मेजोरिटी ऑफ पीपल वो फेल टू एक्यूमुलेट मनी सफिशियंट फॉर देयर नीड्स आर जनरली इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। सिंपल सा लॉजिक माय डियर फ्रेंड, अगर कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो दूसरों के ओपिनियन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। दे परमिट द न्यूज़पेपर्स एंड द गॉसिप नाइवर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम। यार हमने न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ ली और जो हम करना चाह रहे थे उसको हमने चेंज कर दिया, या फिर हमारे किसी पड़ोसी ने हमको किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो अगर इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है ना, या इस तरीके की आपकी आदत है तो उसको बदल दीजिए। अगर ऐसी आपकी आदत है तो आप कभी भी लाइफ में जल्दी डिसीजन नहीं ले पाओगे। और पता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन अर्थ। सबसे इम्पोर्टेंट, और ओपिनियंस आर द एक्सपेंसिव कमोडिटी ऑन अर्थ। इस चीज़ को आप समझिए कि जो ओपिनियंस होते हैं वो सबसे सस्ते कमोडिटी भी होते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं। लेकिन सबसे सस्ते आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपके आसपास के दोस्त यार, आपके पड़ोसी, आपको राह चलता व्यक्ति भी आपको कोई ना कोई सलाह दे जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपकी डिज़ायर मजबूत नहीं है तो आप दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और अगर आप दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हो तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इवन क्विक डिसीजन छोड़िए, आप एक नॉर्मल डिसीजन लेने में भी कतराओगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सो माय डियर फ्रेंड, यही सब कुछ था डिसीजन के बारे में, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। एंड काफ़ी गैप हो गया इस वीडियो को आते आते, डोंट वरी, जो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी लाने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।